सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डैम डिलीशियस को और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Damn Delicious, and today I'm going to present you how to make the French loaf at home. So let's get started. Caught it in the crossfire. It's caught it in the crossfire. So आइए देखते हैं कि French loaf बनाने के लिए हमें कौन से ingredients की जरूरत पड़ेगी. French loaves, chopped onions, chopped tomatoes, 3 types of bell pepper finely chopped, grated cheese, butter, piri piri masala, turmeric powder, red chili powder, little bit of ajwain, salt, oregano and chili flakes for the garnishing, and oil. So, let's start making our French loaf. सबसे पहले हम एक फ्रेश पैन में हमारे जो भी फाइनली चॉप किए हुए वेजिटेबल्स हैं उसको थोड़े से ऑयल में सॉटे करेंगे. यहाँ पर हम सारे वेजिटेबल्स को इंडिविजुअली सॉटे करेंगे. सो नाउ आवर ऑयल इज हीटेड और अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन. उसके बाद हम ऐड करेंगे और फाइनली चॉप अनियन. Now I'm adding little bit of salt, mix it well. यहाँ पे हमारा ऑनियन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो चुका है. तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर. हियर आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर. जब तक ये स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से भून जाते हैं या थोड़े से पक जाते हैं तब तक हम इसको मिक्स करेंगे. नाउ आवर ऑनियन इज डन. इसे एक फ्रेश बाउल में निकालेंगे. और इस बार हम हमारे जो 3 कलर्स ऑफ बेल पेपर्स हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे. द पैन इज ऑलरेडी हीटेड. आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ अजवाइन. और इसमें मैं ऐड करूंगी मेरे 3 टाइप्स ऑफ बेल पेपर्स. I keep going down, down, down. Cold and he's gone blind. Caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming, but out of my mind I'm still too young. Same process. इसे भी थोड़ा सा salt. And
थोड़ी सी रेड चिली पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ चॉप. यहाँ पे भी हम कैप्सिकम को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जस्ट फॉर दैट क्रंचीनेस तक ही पकाएंगे उसको. थोड़ा सा क्रंच आ जाएगी, एक बाइट आ जाएगी तब तक. अब कैप्सिकम इज डन, क्रंची हो चुका है ये, तो इसको भी हम वो सेम बाउल में निकालेंगे. Again, in the same bowl, add a little bit of oil again. और इस टाइम हम हमारे टमाटोज को रोस्ट करेंगे. So now, I'm adding chopped tomato. So now our tomato is also done. We'll turn off the gas. So आइए start करते हैं हमारे loaf बनाना. हम दो तरीके से लोफ बना सकते हैं. पहले लोफ में मैं ऐड करूंगी अमूल बटर. दूसरे लोफ में भी आई एम एडिंग द सेम अमूल बटर. और एक जो लोफ है उस पे हम ऐड करेंगे पिज्जा सॉस. Any kind of pizza sauce you can use. और अब हम ऐड करेंगे उसमें हमारा स्टफिंग. दूसरे लोग में भी हम इसे ऐड करेंगे. अब उसमें हम ऐड करेंगे हमारा ग्रेटेड चीज. और सीजनिंग करेंगे हम थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर. तो अब हम हमारे रेडी किए हुए लोफ को ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे. यू कैन ऑल्सो यूज सिंपल नॉर्मल पैन. अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर. I'm screaming, but out of my mind, I'm still too young.